अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के करम से और फजल से मैं भी बिल्कुल ठीक हूं। काफ़ी टाइम से मैं कोई वीडियो नहीं बना सका था और ना ही मैंने अपनी कोई वीडियो YouTube पर अपलोड की थी। उसकी वजह यह थी कि मैं पहले एक और सिटी में रह रहा था, तो रिसेंटली मैं एक और सिटी में मैंने मूव किया है। पहले मैं थेंजिन में था, तो अब मैं शेंजन में आ गया हूँ। तो मूविंग में जो है ना काफ़ी टाइम लग गया था मुझे, तो इस वजह से जो है ना, आपको पता है कि जब बंदा नई जगह स्विच करता है तो उसके लिए बहुत सारे मसाइल होते हैं, और इस जगह से मैं फैमिलियर भी नहीं था, तो मुझे सेटल होते होते काफ़ी टाइम लग गया। तकरीबन 1.5-2 महीना मुझे यहाँ पर गुजर गए हैं। तो आज मैंने सोचा कि आप दोस्तों को क्यों ना यहाँ की जो है ना खूबसूरती दिखाऊँ। शेंजन थेंजिन से भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, वैसे तो पूरा चाइना ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन जो शेंजन है, शेंजन बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। लास्ट वीक एक दोस्त मेरे साथ आया था और यहाँ पर हम आए थे इस जगह पर, लेकिन थोड़ी देर ही यहाँ पर बैठे थे, खाना शाना खा के हम चले गए थे। लेकिन ये जगह जो है ना बहुत प्यारी है, तो आज मैंने सोचा कि मैं यहाँ जाता हूँ और आप लोगों के लिए जो है एक वीडियो शूट करता हूँ और दिखाता हूँ यहाँ का। ये है सी साइड, इसको कहते हैं सी वर्ल्ड, इस जगह का नाम है सी वर्ल्ड। ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और मैं आज आपको दिखाता हूँ ये सी साइड, यहाँ की खूबसूरती और यहाँ की ग्रीनरी मैं सारी जो है ना आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। और अच्छा, तो अब हम चल रहे हैं आगे की तरफ और मैं आपको दिखाता हूँ कि बच्चे यहाँ पर कैसे खेलते हैं। चाइना में जहाँ भी एंटरटेनमेंट पॉइंट्स होते हैं वहाँ बच्चों के लिए स्पेशल पॉइंट्स होते हैं, जहाँ बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती हैं, बहुत ज़्यादा झूले लगे होते हैं, और इन जगहों पर अगर पूरा दिन भी बच्चे खेलते रहें तो वो ये नहीं कहेंगे कि अब हम थक गए और हमने वापस जाना है। चाइनीज़ के बच्चों का पूरा वीक जो है वो फुल टाइम स्टडी में बिज़ी होता है, और वीकेंड पर चाइनीज़ अपने बच्चों को ऐसी जगहों पर ले जाते हैं और इनसे डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवाते हैं जो इनकी मेंटली हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। वैसे ये बच्चों के लिए एक लिहाज से बहुत ज़रूरी भी है, और आप देख सकते हैं कि इन जगहों पर छोटे से लेकर बड़े बच्चों के लिए भी झूले लगे हुए हैं जहाँ बड़े बच्चे भी खेल सकते हैं, और स्पेशली इन्होंने ऐसी जगहों के ऊपर जो है ना मिट्टी डाली होती है जिस पर बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, आप देख सकते हैं। Thank you.
जगह बहुत ज्यादा खूबसूरत है, इतनी ज्यादा खूबसूरत है कि बंदे का दिल करता है कि बस यहाँ चलता रहे और बस इतना चलता रहे कि चलते चलते हांगकांग पहुंच जाए। वैसे मैं आपको बताता हूँ कि हांगकांग भी यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, बल्कि यहाँ से बिल्कुल नज़दीक है। इस जगह से हांगकांग बिल्कुल नज़दीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो आपको सारी बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं, ये सारी बिल्डिंग्स ये शेंजन चाइना में है, शेंजन नानशान डिस्ट्रिक्ट में है। और अभी मैं आपको हांगकांग का एरिया दिखाता हूँ, आपको यहाँ से ही नज़र आ जाएगा हांगकांग का एरिया। और वो जो सामने माउंटेंस नज़र आ रहे हैं आपको, वो सारे हांगकांग में हैं। तो मतलब अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हांगकांग यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, बिल्कुल यहाँ से नज़दीक है। यहाँ से बाई रोड भी जा सकते हैं और लोग जाते भी हैं। अगर आप सुबह का ब्रेकफास्ट यहाँ से चाइना से करके जाएं और लंच आप हांगकांग में कर सकते हैं और फिर वापस चाइना में आके आप डिनर भी कर सकते हैं। मतलब एक दिन में ही आप जा भी सकते हैं हांगकांग और वापस भी आ सकते हैं बाई रोड। यहाँ से आगे मैं आपको चल के दिखाता हूँ कि यहाँ एक ब्रिज है जो यहाँ से डायरेक्ट हांगकांग को कनेक्ट करती है। यहाँ से अभी भी जो है ना ट्रैवलिंग कर रहे हैं लोग, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कॉरियर्स की जो गाड़ियाँ हैं वो जा रही हैं। नॉर्मली लोग यहाँ से अब ट्रैवल नहीं कर सकते ड्यू टू पेंडेमिक। ये सिचुएशन जो है ना इस टाइम बेटर नहीं है कि यहाँ से आप ट्रैवल कर सकें हांगकांग बाई रोड। लेकिन ये है कि अभी तक जो है ना इसका टेम्परेचर 30 तक चल रहा है।
अब देख लें कि अब दिसंबर स्टार्ट होने वाला है और अभी तक जो है ना वेदर 30 तक अगर हो तो जहरी बात है, हम कह सकते हैं कि अभी भी गर्मी है शंजन में। तो जब ये पीक होता है जून जुलाई में, यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और बहुत ज़्यादा हबस होती है। बस सिर्फ ये चीज़ है जो शंजन में बहुत डिस्टर्ब करती है, अदरवाइज शंजन की खूबसूरती और यहाँ की जो एंटरटेनमेंट की जो प्लेसेस हैं। Thank you.